दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, तो इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों और तैयारी का सिलसिला स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, आखिर प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गए दोस्तों, तो इन सब के बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले आज हम लोग भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरे सभी बच्चों को। एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूसी नेट का दोस्तों, ठीक है। और नंबर भी दिया गया है, आप सभी ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं, आखिर सबसे पहले हमारा प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर प्राकृतिक आपदाएं होती क्या है, प्राकृतिक आपदाओं की डिफिनेशन क्या होती है। तो इनके बारे में जानने के लिए बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल परिभाषा है कि आपदा एक तत्कालीन अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिससे कि अनेक लोग प्रभावित होते हैं। कोई इसके घटित होने के बारे में न जान सकता है और न ही यह जान सकता है कि यह किन किन को कितनी हानि पहुंचाएगी। दोस्तों, यानी कोई भी नहीं जान सकता यह कब घटित होगी और किसको यह कितनी ज्यादा हानि पहुंचाएगी। दोस्तों, इसके बारे में किसी के पास अनुमान नहीं है, कोई नहीं जान सकता कि कब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कितना ये हानि पहुंचाएंगी। दोस्तों, कोई साइंटिस्ट इसकी खोज अभी तक नहीं कर पाया। आपदा एक बहुत ही दुखद घटना या दुर्घटना होती है जिसमें कि अनेक मनुष्यों एवं पशुओं की मौत हो सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इसमें अनेक मनुष्यों, पशुओं, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कई बने बसे हुए घर उजड़ जाते हैं दोस्तों, कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है। आपदा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है दोस्तों, ठीक है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, परिभाषा से हम यह समझ सकते हैं कि आपदाएं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, परंतु यहाँ अपने विषय के परिप्रेक्ष्य में केवल पर्यावरणीय आपदाओं को हम समझ प्रस्तुत करना चाहेंगे, इनमें प्रमुख है। दोस्तों, आज हम सिर्फ पर्यावरणीय आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पर्यावरणीय आपदाएं कौन कौन सी होती हैं और इनसे क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। अगर पर्यावरणीय आपदाओं की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले उसमें आता है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक, जो कि बहुत ही विनाशकारी माना जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका ज्वालामुखी, ये भी दोस्तों कम विनाशकारी नहीं होता, ज्वालामुखी। उसके बाद बाढ़, सूखा, चक्रवात दोस्तों, और हिमपात, बिजली, सुनामी, लहरें, ये सब दोस्तों जो ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये सारी दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती हैं और ये बहुत ही भयंकर होती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, ये सब दोस्तों कितनी नुकसान करते हैं, कितनी यानी कि हमें नुकसानदायक होते हैं, कितनी ये हमें हानियां पहुंचाती हैं, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, इसका कोई भी अनुमान नहीं है, इसका कोई भी आंकड़ा कोई भी लगा नहीं सकता दोस्तों। दोस्तों, सही सही आंकड़ा कोई नहीं लगा पाता। आप जानते हैं जब बाढ़ में लोगों की मृत्यु होती है या भूकंप से लोगों की मृत्यु होती है तो कितने लोग मलबे के नीचे दबे होते हैं, कितने लोग क्योंकि शव तक नहीं मिलते दोस्तों, और बस अपने अनुमान से कि हाँ इतने लोग इस बिल्डिंग में थे, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। और दोस्तों, जो उस बिल्डिंग के पास से गुजर रहे होते हैं जब वो उनके ऊपर गिरता है तो वो कोई भी उसका आंकड़ा नहीं होता। तो यही है दोस्तों, कोई सही अनुमान नहीं लगा सकता कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में कितनी मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही वो होता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि आपदा प्रबंधन के बारे में क्या हमारी सरकार क्या योजना बनाई है और क्या कदम उठाए हैं, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानवीकृत हो, सभी में एक बात उभयनिष्ठ है। क्या बात उभयनिष्ठ है? और वह यह है कि यह मनुष्य, पशु और संपत्ति को हानि पहुंचाती है। बिल्कुल सही बात हो, चाहे आपदा प्राकृतिक हो या मनुष्यकृत हो दोस्तों, तो ये सभी को क्या पहुंचाती है? हानि पहुंचाती है। हाँ, मनुष्यकृत आपदाओं की बात की जाए दोस्तों, तो मनुष्यकृत जैसे कि बम विस्फोट होते हैं दोस्तों, और भी चीज़ें जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, एरोप्लेन क्रैश, ये सब क्या है? ये मानवकृत आपदाएं होती हैं।
तो दोस्तों, तो उससे क्या होता है, सिर्फ हमें क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है, उसके सिवा और भी कुछ हमें नहीं मिलता। हानि और मृत्यु और विनाश दोस्तों, और कुछ भी आपदा लेके नहीं आती अपने साथ। हमारा मुख्य लक्ष्य है आपदा प्रबंधन में हानि को नियंत्रण करने में है, जिसके लिए सभी योजनाएं तैयार की जाती हैं। दोस्तों, हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि आपदा प्रबंधन में कम से कम नुकसान हो। आपदा प्रबंधन जैसे कि कोई भी, जैसे भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी आने वाला है, सभी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि पहले ही हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे भूकंप आने वाला है, इस गति से आने वाला है, इतना यहाँ पर नुकसान होना। ये अभी साइंटिस्ट इसकी खोज में दोस्तों लगे हुए हैं। कुछ हद तक सफलता मिली है, कुछ हद तक सफलता नहीं मिली है दोस्तों। तो प्राय आपदा प्रबंधन की दो स्थितियों में आका जाता है दोस्तों। अब अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो ये दो स्थितियों में आका जाता है। कुछ स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, प्रशासन की दृष्टि से, किसके दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो लोगों को आपदा की संभावना की सूचना देना, यानी कि कोई भी अगर आपदा आनी है तो लोगों को सूचना देना, जागृत करना, जैसे बाढ़ आ रहा है दोस्तों, भूकंप आ रहा है, तो ये कि भाई आप लोग जागृत हो जाइए, आपदा आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, आप लोग वो हो जाइए, सचेत हो जाइए। तो ये चीज़ है दोस्तों। और हर स्तर पर प्राथमिक सहायता की उपलब्ध कराए, यानी कि सरकार दोस्तों हर स्तर पर सभी को एक समान सहायता प्रदान करे, हर चीज़ के खाने की व्यवस्था दोस्तों, रहने की व्यवस्था। जैसे बाढ़ में कई, बाढ़ पीड़ित में कई लोग दोस्तों बिना निवास के हो जाते हैं, बिना घर के होते हैं, अनाज खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, तो उन्हें दोस्तों खाने की व्यवस्था करना, उनके लिए उचित निवास स्थान प्रबंध करना, तो ये दोस्तों हर स्तर पर सहायता करना। आपदा क्षेत्र में मनुष्य और पशुओं को निकालना, दोस्तों आपदा क्षेत्र में जैसे बाढ़ में फंस गए तो उसमें आसानी से, यानी कि उन्हें किसी भी तरह से मनुष्यों को, पशुओं को वहां से ससुरक्षित निकालना, ये दोस्तों हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना और हमारी थल सेना के सभी सिपाहियों के दोस्तों ये होता है, बल्कि न हमारे सेना का बल्कि हर नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि बाढ़ पीड़ितों की हमें किसी भी तरह से दोस्तों क्या करनी है, हमें उनको सेवा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है और जहाँ तक हो सके उनका योगदान करना है दोस्तों, उनका हमेशा योगदान करना है। तो ये होता है दोस्तों। और संपत्ति की रक्षा करना, जहाँ तक कोशिश हो उनकी संपत्ति की भी रक्षा करी जाए, तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है हानि नियंत्रण करने के उपायों का उपयोग, जैसे हानि को जितना भी दोस्तों हानि, ज़्यादा से ज़्यादा हानि न हो, उसको नियंत्रण किया जाए किसी भी तरह से कि हाँ यार बाढ़ अगर आती है तो यहाँ पे इतना हानि नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे बाढ़ को रोका जा सके और हानि कम हो दोस्तों। ये चीज़ें संबंधित अधिकारियों तथा एजेंसियों को सूचित करना, जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, जैसे कि भाई आप अलर्ट रहिए, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दुर्घटना अगर होने वाली है तुरंत सभी को सूचित करिए आप, यानी एकदम एक्टिव रहिए। ये नहीं कि दुर्घटना हो गई तब आप करें अरे दुर्घटना हो गई हमें पता नहीं चला, नहीं, आप पहले से ही अलर्ट रहिए सारी, यानी कि जैसे ही आपको थोड़ा सा भी अनुमान लगता है कि दुर्घटना होने की संभावना है तुरंत आप सभी को अलर्ट करिए, देखिए बाढ़ आने की संभावना है, आप सभी अलर्ट जाइए, इस क्षेत्र से दूर चले जाइए, इन सारी चीजों की आप सूचना पढ़ाई बताइए, यानी कि ये अधिकारियों एजेंसियों को सभी को सूचित करना है तुरंत दोस्तों। और अग्निशमन उपकरण का तैयार करना, जैसे अग्निशमन, जैसे आग उग लग जाता है दोस्तों, तो अग्निशमन के लोग जो होते हैं, जो दोस्तों फायर ब्रिगेड होती है एक, तो उसमें भी वो लोग भी तैयार रहेंगे किसी हर तरह से कि भाई कहीं भी अगर आग लगती है, विनाशकारी आग लगती है, तो उसे तुरंत बुझाया जा सके, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा हानि न हो दोस्तों। तो ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, आप जो इन्हें ले सकते हैं, अपनी हिंदी पीडियो पेट कॉम्बो, RO और लेखपाल कॉम्बो, और दोस्तों नंबर भी दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो जनसाधारण में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से, अब जनसाधारण को में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से दोस्तों बात की जा रही है कि प्रत्येक आपदा के संदर्भ में हर व्यक्ति को कम वेश या जानना चाहिए दोस्तों, हर व्यक्ति को कम से कम जानना जरूरी है दोस्तों उसके बारे में कि क्या होती है आपदा, क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, कैसे दोस्तों कम हानि हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में, यह आपदा क्या कर सकती है, सर्वप्रथम ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी आपदा, जैसे दोस्तों बाढ़ है, भूकंप है,
इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ बाढ़ से हमें क्या यानी कि नुकसान हो सकता है, इससे क्या हानियां हैं, इससे दोस्तों क्या हमें हमारे कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि आपदा कितनी हमारे लिए दोस्तों हानिकारक है। स्वयं परिवार के सदस्य और पड़ोसी तत्काल क्या कर सकते हैं? दोस्तों अगर परिवार के सदस्य हैं और पड़ोसी हैं बाकी लोग हैं, तुरंत क्या करना चाहिए? जैसे अगर आपका भूकंप आ रहा है तो तुरंत हमें घरों से बाहर निकल जाना चाहिए दोस्तों। कहीं ऐसी जगह सुरक्षित जगह देखनी चाहिए जहाँ से आपको यानी कि आपको हानि ना हो। तो ऐसी दोस्तों चीज़ें हैं। और भी अगर बाढ़ जैसे कि आपको अनुमान लग रहा है कि इस क्षेत्र में बाढ़ है, तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ के दोस्तों हट जाना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं और कहाँ कहाँ उपलब्ध है आपको ये भी जानना आवश्यक है कि प्रशासन द्वारा आखिर कहाँ यानी कि सुविधाएं दी जा रही हैं, कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हैं, कहाँ पे दोस्तों निवास स्थान बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे आपको भोजन की आवश्यकता होगी, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, कहाँ पे वो। तो जब तक दोस्तों आपको जानकारी नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे आपको पास पहुँचाएगी? तो आपको भी पहुंचना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा चीज़ों तक जानने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। और कहाँ कहाँ सूचनाएं पहुंचाना आवश्यक है, कहाँ कहाँ पे आपको सूचनाओं के बारे में जानना है और पहुंचाना भी है, लोगों को भी जागरूक करना है कि हाँ भाई यानी कि यहाँ पे बाढ़ आने वाला है, इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, भूकंप आने वाला है यहाँ पे छोड़ दीजिए, इन सारी चीज़ों को दोस्तों। जब तक अन्य कोई सहायता न मिले तब तक क्या करें? जैसे दोस्तों जब तक कोई अन्य सहायता न मिले तब तक अपने से ही दोस्तों अपनी सुरक्षा यानी कि कहा नहीं जाता अपनी सुरक्षा स्वयं करें। दोस्तों अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा आपको स्वयं करनी हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखिए कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें दोस्तों, और उस क्षेत्र से जल्दी हटने का प्रयास करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा आकस्मिक रूप से ही आती है दोस्तों, यानी अचानक। आकस्मिक रूप कहने का सेंस दोस्तों जो प्राकृतिक आपदा होती है अचानक आती है, आपको पलक झपकते अरे यार ये क्या हो गया, अभी मेरा घर ऐसे था मिट्टी में मिल गया, अचानक आती है दोस्तों। यानी कि कोई यानी अनुमान नहीं लगा सकता कि प्राकृतिक आपदा कब आ जाए दोस्तों, तो ठीक है वो चीज़ है दोस्तों। हर स्थिति में धैर्य संयम और मनुष्य को सूझबूझ ही काम आती है, इनका उपयोग बुद्धिमानी से करें दोस्तों। हमेशा आप अपने धैर्य को कायम रखें, संयम को कायम रखें। आप अगर टूट जाएंगे तो आपके परिवार के सदस्यों को कौन संभालेगा दोस्तों? तो इसलिए कोई भी आपदा आती है तो अपने धैर्य और संयम का परिचय दें। कभी भी दोस्तों कोई स्थिति ऐसी हो गई तो अपने आप को संभालें और अपने परिवार को भी संभालें। तो ये चीज़ है, ये और सूझबूझ से काम लें और बुद्धिमानी से काम लें दोस्तों। कभी कभी क्या होता है जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है, सरकार सूचना दे रही है कि भाई आप अपना घर छोड़ के चले जाइए, यहाँ बाढ़ आने वाली है, पर लोग दोस्तों क्या करते हैं, घर छोड़ के नहीं जाते, तो उसी का नतीजा भुगतते हैं दोस्तों। जब पूरा परिवार क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरे परिवार पूरा घर और भी सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप पहले से ही चले गए होते तो आप कुछ अपने अमूल्य सामानों को वस्तुओं को बचा सकते थे या परिवार के सदस्यों को भी बचा सकते थे। क्योंकि जो आपदा आ रही है आपको नहीं पता है वह कितनी भयंकर है, कितनी विनाशकारी है दोस्तों। इसलिए थोड़ी से मोह के कारण आप अपना और अपने परिवार का जीवन संकट में न डालें दोस्तों। जहाँ तक हो तुरंत आप अगर आपको सूचना मिल रही है कि हाँ यहाँ बाढ़ आने वाली है या यहाँ पे कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं होने वाली है, तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ के आप चले जाएं दोस्तों। किसी भी चीज की मोह माया न रखें अंदर, ठीक है? हाँ आइए दोस्तों जानते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप दोस्तों, भूकंप जमीन के हिलने की वह स्थिति है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा उनके काफी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है दोस्तों। यानी जो भूकंप आने का कारण होता है दोस्तों, जब जमीन की जो अंदर की जो चट्टानें होती हैं दोस्तों वो अचानक क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। क्या होती है, जब वो अचानक टूटने लगती हैं दोस्तों तो काफ़ी बड़े भाग खिसक जाते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े भाग क्या होते हैं, खिसक जाते हैं, जिससे दोस्तों बड़ी बड़ी इमारतें और चट्टानें क्या होती हैं, गिरना प्रारंभ कर दे जाती हैं। और जैसे ही गिरती हैं दोस्तों हमारी काफ़ी हानिकारी हानियाँ होती हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं और काफ़ी जीव जंतु और मनुष्यों की क्या होती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी में घटित होने वाली सबसे बड़ी और शक्तिशाली घटनाओं में भूकंप की गिनती होती है दोस्तों। यानी कि सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अगर माना जाए दोस्तों तो किसको माना जाता है, भूकंप को माना जाता है। किसको? भूकंप को माना जाता है। तथा इसके परिणाम निस्संदेह बहुत ही भयानक और विनाशकारी होते हैं। और इसकी शक्ति का अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं दोस्तों कि इस घटना का अनुमान हम
हम इससे लगा सकते हैं कि एक भूकंप में ऊर्जा की उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी कि जापान में गिराए गए अणुबम से 10,000 गुनी शक्ति। दोस्तों 10,000 गुनी शक्ति होती है जो जापान में अणुबम गिराए गए थे दोस्तों, आपको मालूम होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे, उससे 10,000 गुनी शक्ति होती है आपके एक भूकंप में। सोचिए वो भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है दोस्तों, कितना विनाश ला सकता है, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो ये दोस्तों, और आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये आपकी आरोग्य समीक्षा अधिकारी सहायता कंप्लीट कोर्स डेली वीडियो क्लासेस चैप्टर बाय चैप्टर ऑफलाइन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और भूकंप के संभावित कारण दोस्तों, आखिर क्या रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है कि अर्थक्वेक आता है दोस्तों, तो भूकंप के अनेक कारण होते हैं भूवैज्ञानिकों ने दिए हैं। उनमें से मुख्य तो पृथ्वी की संरचना और उसके क्रियाकलाप से संबंधित तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से संबंध रखते हैं दोस्तों। तो यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया दोस्तों कि भूकंप आने का कारण तो पृथ्वी की संरचना है और सबसे ज़्यादा कारण है मानवीय हस्तक्षेप दोस्तों। तो मानवीय हस्तक्षेप जो करते हैं दोस्तों, आखिर किस प्रकार से मानवीय हस्तक्षेप होता है जिससे भूकंप आता है, आइए जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी की रचना से संबंधित पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की रचना, तो जानते हैं हम सभी दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से में चट्टानों प्लेटों के चटकना टूटना और खिसकना ही क्या है भूकंप का कारण होता है। हम जानते हैं दोस्तों जो हमारे पृथ्वी की संरचना हुई है वो चट्टानों से हुई है। तो दोस्तों जब वो चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं या खिसकती हैं दोस्तों, तभी क्या होता है भूकंप आता है दोस्तों। जिस कारण से जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वो दोस्तों अपने स्थान से खिसक जाती हैं या गिर जाती हैं, जिससे कि बहुत ही बड़ा विनाश होता है दोस्तों और हमें बहुत सारी हानि होती है दोस्तों, जन और धन दोनों की हानि होती है। और चट्टानी प्लेटों में विभिन्न प्रकार के दोषों से पृथ्वी की क्रिया वालों का तालमेल न हो पाना भी दोस्तों भूकंप आने का एक कारण होता है। स्थान विशेष के दोषों के कारण पृथ्वी के अन्य किसी भी स्थान को प्रभावित करना भी एक दोस्तों भूकंप का कारण होता है। किसी स्थान पर अप्रत्याशित परिवर्तन से भी भूकंप की संभावना, किसी भी स्थान पर आप अगर दोस्तों परिवर्तन करना चाहेंगे, सोचिए अगर कोई स्थान हरा भरा है और वहां पे आप दोस्तों इमारतें बनाएंगे तो भी वो भी दोस्तों भूकंप आने का कारण है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित अगर बात की जाए कि आखिर किस प्रकार से मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूकंप आता है, तो सबसे पहले किसी भी गहराई से जल का निकालना या ट्यूबवेल का प्रयोग करना। ज़्यादातर दोस्तों हमें ट्यूबवेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपके भूकंप आने का एक कारण होता है। बड़े बड़े भंडारों को खाली करना विशेषतः जल के, और भूकंप में आणविक विस्फोट करवाना भी दोस्तों क्या है हमारे भूकंप का कारण होता है। खानों की खुदाई भी दोस्तों भूकंप का कारण है, और निर्माणों को मजबूत कर हेतु जल और सीमेंट के इंजेक्शन लगाना। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंगें कितनी मजबूत हों, गिरे न कोई भी चीज़, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गहराई के अंदर खुदाई करते हैं और सीमेंट और सरिया लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं सीमेंट और सरिया, जिससे कि दोस्तों हमारे भूकंप आने का क्या होता है कारण होता है। तो यही सब कारण है दोस्तों जिससे कि भूकंप आता है, इसमें हमें सुधार करने पड़ेंगे दोस्तों। बहुत तेज आवाज से भी धरातल को लगातार कंपित करने से भी भूकंप आने का कारण होता है। अन्य कारण की बात की जाए दोस्तों, किन्हीं विशेष क्षेत्रों में ही अधिकतर भूकंपों को आते हैं दोस्तों, किसी एक जगह के भूकंप से पास ही अन्य भूकंप के आने की आशंका होती है। बड़े बड़े पर्वत शिखरों का जमीन में धस जाते हैं, जब दोस्तों बड़े बड़े पर्वत जब जमीन में धस जाते हैं तो भी भूकंप आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास नया बैच प्रारंभ महाबजट ऑफर, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे भूकंप के प्रभाव के बारे में आइए जानते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, की अर्थक्वेक के प्रभाव क्या होते हैं दोस्तों, भूकंप के क्या तत्कालीन प्रभाव हो सकते हैं, इन्हें मोटे तौर से जानें दोस्तों। भूकंप से नदियों के रास्ते परिवर्तित हो सकते हैं, सोचिए दोस्तों भूकंप से नदियों तक के रास्ते परिवर्तित हो सकते हैं, और अगर नदियों के रास्ते परिवर्तित हो जाएंगे तो सोचिए कितना विनाश हो सकता है दोस्तों, बहुत ही विनाश दृश्य होगा जब हमारी नदियों का के मार्ग अगर बदल जाए दोस्तों, सोचिए। तो भूकंप से पहाड़ी चट्टानों का खिसकना संभव है जिससे कि भारी जनधन की हानि होती है। जो पहाड़ी चट्टानें हैं दोस्तों, अगर हम अपने स्थान से खिसक जाए तो सोचिए कितनी हानियां होंगी, तो ये चीज है। नेक्स्ट है, बड़े भूकंप महासागरों के नीचे ऐसी विनाशकारी लहरों को उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि तटीय क्षेत्र में पानी का तूफान खड़ा हो जाए दोस्तों, यानी महासागरों के नीचे भी ऐसी विनाशकारी दोस्तों लहरें उत्पन्न कर सकते हैं अगर भूकंप आ जाए, जिससे कि उनके तट क्षेत्र पर जो निवास स्थान रहते हैं
वो दोस्तों क्या होगा, विनाश हो जाएगा। भूकंप से सामान्यतः सीधे अधिक जन हानि नहीं होती, बल्कि अनेक मौतें और घायलों की संख्या, भूकंप के समय अनेक वस्तुओं के गिरने तथा बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और भवनों के धराशायी होने के कारण होता है। दोस्तों केवल भूकंप आने से ही हमें जन धन की हानि नहीं होती, सबसे ज़्यादा हानि हमें होती है जो हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाते हैं दोस्तों, और जब भूकंप आता है और ये धराशायी होती है तब हमें बहुत ही हानि उठानी पड़ती है दोस्तों। तो भूकंप से ज़्यादा दोस्तों ये बड़ी बड़ी इमारतों के गिरने से हमें हानियाँ होती हैं, ये चीज़ें नष्ट है दोस्तों। गैस लाइन तथा पावर लाइन्स के टूटने के कारण जलती आग भूकंप के समय अधिक खतरनाक साबित होती है। दोस्तों जो गैस लाइन और पावर लाइन्स टूटती हैं जिससे कि हमारे हमारे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो वो भी ये हुआ दोस्तों। और खतरनाक रसायन, पेट्रोल, डीजल तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी अनेक संकट के क्या होते हैं दोस्तों, पैदा कर सकते हैं। जो दोस्तों रासायनिक पदार्थ है, खतरनाक रसायन, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सोचिए दोस्तों जब ये चारों तरफ फैल जाए और इसमें आग लग जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही दोस्तों कठिन हो जाता है, और ये कितना विनाश ला सकते हैं आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते दोस्तों, तो बहुत ही विनाशकारी होती है। आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, भूकंपीय स्केल के बारे में जानते हैं दोस्तों। भूकंपीय स्केल की बात कही जाए तो पृथ्वी जब दोस्तों पृथ्वी पर जब कभी भूकंप आता है तो इसकी प्रारंभिक जानकारी जमीन के हिलने, इमारतों के डगमगाने, घर की वस्तुओं को गिरने पड़ने से ही मिलती है दोस्तों। यह भूकंप कैसा है, कितना विनाशकारी है और तुरंत हमें क्या करना चाहिए, इस घटना घटित होने के बाद ही जाना जा सकता है। इस हेतु आजकल दो पैमाने प्रचलित हैं दोस्तों। आइए जानते हैं क्या दो पैमाने प्रचलित हैं भूकंपीय स्केल के बारे में दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महाबजट ऑफर मात्र 1499 रुपये में। आइए दोस्तों जानते हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल और मर्करी मात्रा स्केल, दो स्केल हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल से जानते हैं और मर्करी मात्रा स्केल से जानते हैं। रिक्टर स्केल से हम क्या जानते हैं, यह एक लकड़ी स्केल है दोस्तों, लघु गणकीय स्केल है जिसके माध्यम से, जिसका आविष्कार 1935 में भू भौतिक शास्त्री चार्ल्स रिक्टर ने किया, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया क्या, रिक्टर स्केल दोस्तों द्वारा किया गया तथा इसके द्वारा भूकंप से उत्पादित ऊर्जा को मापा जा सकता है दोस्तों। ये मापा जा सकता है कि भूकंप की जो ऊर्जा है आखिर कितनी तीव्र है, कितनी यानी ज़्यादा है, इससे कितनी विनाशकारी हो सकती है, इसको दोस्तों हम नाप सकते हैं किसके, रिएक्टर स्केल से दोस्तों। तो यानी कि भूकंप की तीव्रता और वो किसे नापी जाती है दोस्तों, रिएक्टर स्केल से। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों ऊर्जा। और मर्करी मात्रा स्केल दोस्तों भूकंप की अधिक से अधिक प्रासंगिकता, उसके घनत्व की शक्ति, जिसके लिए एक सुधारित स्केल भू भौतिक शास्त्री मर्करी ने दिया था, यह व्यवहारिक रूप से 12 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, वास्तव में 12 भागों में विभाजित है दोस्तों। ये भी दोस्तों स्केल है भूकंप के बारे में ये पता लगाती है। अब दोस्तों बात आती है कि भूकंप के समय या बाद में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर भूकंप आता है तो उसके समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों। भगदड़ न मचाएं दोस्तों, अगर भूकंप आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा भगदड़ न मचाएं, जिससे दोस्तों कि कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे डर सकते हैं आपके दौड़ने में, आपकी भीड़ में कुछ बच्चे दब के दोस्तों उनकी भी मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए आप भगदड़ न मचाएं। दूसरा, भूकंप के समय यदि सीधा रास्ता न दिखे तो भवन में ही सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। दोस्तों अगर आपको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है तो कहीं भवन में ही दोस्तों किनारे कोने में आप खड़े हो सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। बिजली के तारों को न छुएं, कभी भी दोस्तों बिजली के तारों को न छुएं, न ही पानी के नल और पाइपों को, न ही नल के पानी और पाइपों को भी मत छुएं दोस्तों, उसमें भी बिजली दौड़ सकती है, तो उनको बिल्कुल भी आप न छुएं और किनारे खड़े हो जाएं। और ज़्यादातर कोशिश करें ऐसे सुरक्षित जगह पर खड़े हों दोस्तों जहाँ पर न बिल्डिंग्स ऊँची इमारतें हों, एकदम खुला आकाश हो वहाँ पर आप रहें दोस्तों, तो वहाँ पर आप सुरक्षित और सेफ रहेंगे। भूकंप के समय किसी भी बिस्तर, पलंग अथवा मेज के नीचे पड़े रहना सुरक्षित रहता है दोस्तों। किसी भी दोस्तों आप पलंग के नीचे घुस जाइए या मेज के नीचे घुस जाइए, जैसे कोई भी अगर सामग्री या वो गिरेगी तो आपके मेज पे गिरेगी या पलंग पे गिरेगी, आप सेफ रहेंगे। और लकड़ी की खिड़कियों तथा दरवाजों से दूर रहें, जो लकड़ी खिड़कियाँ होती हैं उनसे क्या करें दोस्तों, दूर रहें, वो टूट के गिर सकती है आपके ऊपर। जब भूकंप समाप्त हो जाए तभी भवन से बाहर निकलें, जब दोस्तों भूकंप समाप्त हो जाए तभी निकलें, नहीं तो अंदर ही रहें। अपने परिवार के सदस्यों को संभालें तथा निवास पर रहकर वस्तुओं की जाँच कर लें दोस्तों। अपने परिवार के सदस्यों ने बहुत धैर्यता से काम करें और दोस्तों यानी कि अपने उसको धैर्य को न टूटने दें।
ये दोस्तों आपके हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ हो गया मात्र 999 रुपये में। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भूकंप का पूर्वानुमान, दोस्तों भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन कार्य है कि हम दोस्तों ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप कब आएगा, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी विधि ज्ञात नहीं हो सकी कि भूशास्त्री निरंतर इस खोज में लगे हुए हैं, जो हमारे दोस्तों भूशास्त्री हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो लगे हुए हैं पर इस खोज में लगे हुए हैं और इस परिणाम स्वरूप उन्होंने यह निष्कर्ष तो निकाल ही लिया है कि अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर को घेरने वाली पट्टी के आसपास ही आता है दोस्तों। पर वो उसका पहले से ही अनुमान लगाना दोस्तों मुश्किल होता है, कुछ क्षण पहले ही पता चलता है हमें कि हाँ भूकंप आने वाला है, नहीं तो दोस्तों यह पता नहीं लगा सकते हम कि भूकंप कब आने वाला है और कहाँ आने वाला है, इसका दोस्तों हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसी कारण इस पट्टी को आग का घेरा भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं आग का घेरा भी कहा जाता है, नाम से भी इसको जानने लगे हैं दोस्तों। ज्वालामुखी और अन्य अनेक पृथ्वी संबंधी अवघटित घटनाओं का यह प्रमुख क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, ये प्रमुख क्षेत्र माना जाता है आपका महासागरी दोस्तों, प्रशांत महासागर दोस्तों जो होता है भूकंप में घेरने वाली पट्टी के आसपास ही यहाँ पे ज्यादा आता है दोस्तों प्रशांत महासागर के पास। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई दोस्तों सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी से दोस्तों आप सभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा और दोस्तों जो अभी से तैयारी में जुट जाएंगे उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों हर हाल में, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।